सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू माय टीचर, माय गुरु, माय प्रिसेप्टर ऑफ योग फ्रॉम द फील्ड ऑफ योग, डॉक्टर गणेश शंकर सर, फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम फीलिंग ग्रेट प्लेजर एज आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ, और जिस प्रकार से आप अभी विद्यार्थी हैं, मैं इसी विभाग में 3 विभिन्न सत्रों में विद्यार्थी रह चुका हूँ। पीसीपी पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम भी 3 बार अटेंड कर चुका हूँ। आई कंप्लीटेड PGDYM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग एंड मेडिटेशन किया है आप ही के यहाँ से, जहाँ से आप कर रहे हैं उसी विभाग से PGDYN पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग एंड नेचुरोपैथी, और तीसरा जो किया था रिसेंटली PGDYP पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग एंड साइकोथेरेपी। तो उस विभाग से जो सीखा है प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कन्वे द मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू, एक परीक्षा की दृष्टि से भी और दूसरी फिजियोलॉजी या एनाटॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मुझे गिरी सर ने निर्देशित किया है कि दो सिस्टम्स की बात करूं, तो दोनों सिस्टम्स की बात करना एक लिमिटेड ड्यूरेशन टाइम में संभव नहीं है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, थोड़ा स्पीड से चलूंगा, और ऐसा नहीं कि केवल मैं बोलता रहूं आप सुनते रहें। यू मे इंटरप्ट इन बिटवीन, यदि आपको लगता है कि गाड़ी ठीक आगे नहीं बढ़ रही है तो आप मुझे बीच में रोक सकते हैं। यू कैन आस्क इन बिटवीन, आप बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाय अनम्यूटिंग योर माइक, अपने माइक को अनम्यूट करके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, के योग की बात हो रही है तो योग की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मैं तो स्पेशली स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम की बात करूंगा। लेकिन एक एक श्लोक, क्योंकि योग के क्षेत्र से आप हैं, तो एक श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ईशा उपनिषद का। आई वुड लाइक टू शेयर दैट श्लोक इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आप सबके समक्ष वो श्लोक शेयर करना चाहूंगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम, Those who attain their body perfected through the fire of yoga does not have illness, old age or even death. हिंदी में, जो लोग योग रूपी अग्नि से अपने शरीर को बकाते हैं, ना उनको बुढ़ापा आता है, ना उनकी मृत्यु होती है, ना ही उनको कोई बीमारी जकड़ती है। यहाँ एक शब्द आया, एक लाइन आई कि मृत्यु नहीं होती है, तो वेदांतों के अनुसार एज पर वेद, तो इसका तो अर्थ है जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना योग कहा गया है, तो मोक्ष की कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो मृत्यु तो होनी है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात आई कि वी कैन कीप डिजीज अवे, नहीं उनको कोई बीमारी जकड़ती है। उसका सबसे मुख्य कारण है कि योग का विभिन्न सिस्टम्स पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो विभिन्न सिस्टम्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे स्केलेटन सिस्टम हो, चाहे मस्कुलर सिस्टम हो, चाहे टिश्यू लेवल की बात करें या कोशिका स्तर की बात करें, सेल लेवल की बात करें, जितनी भी व्याधियां उत्पन्न होती हैं शरीर में ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के डिफेक्ट्स के कारण होती है। तो एक और बात आप सबके समक्ष मैं शेयर करना चाहूंगा कि वी शुड नॉट लिंक योग विद एनी रिलीजन, क्योंकि साइंटिफिक टॉपिक्स पर आज बात होगी तो एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह, लोगों का समूह, लिंक योग विद एनी रिलीजन, कोई भी समूह एक लोग एक योग के क्षेत्र में ऐसा भी है जो योग को धर्म के साथ जोड़कर देखता है। वी कैन नॉट लिंक योग विद एनी रिलीजन, धर्म से नहीं जोड़ सकते, धर्म से के साथ रख कर नहीं देख सकते। क्यों? वैसे इसके बारे में विभिन्न प्रकार के मत है लोगों के, लेकिन मैं जस्टिफाई करने का प्रयास करूंगा कि व्हाई वी शुड नॉट लिंक योग विद एनी रिलीजन, की योग को किसी रिलीजन से क्यों नहीं हम, यदि हम धर्म की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट रिलीजन, लेडीज एंड जेंटलमैन, रिलीजन इज प्योरली बेस्ड ऑन फेथ, धर्म पूर्ण रूप से फेथ पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है। आप किसी भी धर्म के हो, हम आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन वो पूर्णतः विश्वास पर टिका है। लेकिन दूसरा क्षेत्र जिसके साथ इसकी तुलना करते हैं योग, योग इज नॉट बेस्ड ऑन फेथ, योग केवल विश्वास पर आधारित नहीं है। योग हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, योग में विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं जो बिल्कुल ही अलग करती हैं, सेपरेट करती हैं योग को धर्म से। तो आउट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स
इन सब विशेषताओं में से तीन प्रमुख हैं। डीड सेपरेट योग विद एनी रिलीजन। फर्स्ट वन इज योग इज एक्सपेरिमेंटल, योग प्रायोगिक है। वेरियस क्लिनिकल रिसर्चेस एंड वेरियस स्टडीज रिलेटेड टू योग एंड द इफेक्ट ऑफ योग हैज बीन पब्लिश्ड एंड हैज बीन कंडक्टेड एंड पब्लिश्ड इन द रेफरीड जर्नल्स, वर्ल्ड क्लास जर्नल, इंडेक्स्ड इन स्कोपस, इंडेक्स्ड इन वेब ऑफ साइंस, इंडेक्स्ड इन पबमेड। तो पहली बात, योग प्रायोगिक है, धर्म प्रायोगिक नहीं है, धर्म पर कोई प्रयोग नहीं हुआ है, विश्वास पर आधारित है। सेकेंड वन इज योग इज एक्सपीरियंशियल, वी कैन फील, वी कैन एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ योग, बट वी कैन नॉट एक्सपीरियंस रिलीजन, दैट इज बेस्ड ऑन फेथ ओनली, एज आई हैव रेड, एज आई हैज कम्युनिकेटेड यू अर्लियर ऑल्सो। और जो तीसरी बात है, योग इज एग्जिस्टेंशियल, जो योग अस्तित्ववान है, अस्तित्व में है, अस्तित्व दिखता है, लेकिन रिलीजन तो विश्वास पर आधारित है। तो कहानी आज की शुरू करते हैं, लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूं कि वी शुड नॉट लिंक योग विद एनी रिलीजन, सिंस योग इज एक्सपेरिमेंटल, योग इज एक्सपीरियंशियल एंड योग इज एग्जिस्टेंशियल। तो ये तीन गुण, तीन विशेषताएं योग की किसी भी रिलीजन से अलग करती हैं, क्योंकि सिस्टम्स की बात करेंगे, विभिन्न तंत्रों की बात करेंगे, साइंटिफिक वे में बात करेंगे, और योग का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी भी कुछ हद तक बात करेंगे। तो पहले सिस्टम से शुरू करते हैं। योगीराज, फुल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है? जी सर, अब फुल स्क्रीन पे अभी दिखाई नहीं रही है, दिखाई दे रही है। हाँ जी जी सर, ठीक है। और योगीराज, मेरी भाषावली सब ठीक है, चलेगा ना? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल चलेगी सर। ठीक, चलेगा। ओके, स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, इसके अस्थि तंत्र हिंदी में कहते हैं, अस्थि तंत्र, स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, स्केलेटल सिस्टम। बात करते हैं शरीर की। ह्यूमन बॉडी मेड अप, मेड आउट ऑफ, हमारा शरीर किन किन है? अब वैसे तो अगर योग की पूरी भाषा में बात करेंगे तो हम तो एक पंच तत्वों की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हटके बात करेंगे, फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात करेंगे। यदि हम बात करें साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में, कि हमारा शरीर किस किस से बना है, तो हमारा शरीर बना है बोन्स, हड्डियों से, फ्लैश से बना है, स्किन त्वचा से, नर्व्स हमारे हैं, टिश्यूज हैं, ऊतक हैं। लेकिन इन सब की बात नहीं करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट द बोन्स ओनली, केवल अस्थियों की, हड्डियों की बात करेंगे, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, अस्थि तंत्र की बात कर रहे हैं। तो इन पांचों में से सबसे अधिक उपयोगिता, सबसे क्या, पूरी उपयोगिता बोन्स की है। हड्डियों के बारे में बात करते हैं विस्तार से। शुरू करते हैं कहानी को। पहली बात, हमारे शरीर में गिरी सर ने मुझे आदेशित किया था कि दोनों सिस्टम बहुत फास्ट स्पीड से करने हैं, फिर भी यदि आपको लगता है कि फास्ट कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो आप यू में स्लो डाउन, आप रफ्तार में स्पीड कम कर सकते हैं। हमारे शरीर में 206 बोन है। वी हैव 206 बोन इन आवर बॉडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप इन योर एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, अपने चित्त में, मस्तिष्क में बैठा लें कि हमारे शरीर में 2006 हड्डियां हैं। अब प्रश्न उठा कि 2006 हड्डियां तो हैं, लेकिन ये हड्डियां बनी किससे हैं? दीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड सॉक्स। किसी की हड्डियां कमजोर होती है तो डॉक्टर यही कहता है ना कि कैल्शियम की गोली खाइए। क्यों? कि बनी होती है कैल्शियम से, शरीर में कैल्शियम की कमी हो या कैल्शियम खूब ले रहे हो लेकिन एब्जॉर्प्शन, उसका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा है, तो भी हड्डियां कमजोर होती हैं। तो दीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम एंड सॉल्ट्स। फर्स्ट तो आयरन एक, मैं तो ये मन तो तीन तक हमें लोग दिखाते थे, हाँ जी, कुछ कहना तो चाह क्या रहे हैं बात क्या? सर? एक मिनट आप सर कंटिन्यू रखिए। हमारे शरीर में, मुझसे कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं सर, वो गलती से किसी का अनम्यूट हो गया था। अच्छा, कैल्शियम और सॉल्ट्स की बनी है। लेमेन की भाषा में, एक लेमेन की भाषा में हम कह सकते हैं कि द बोन्स आर कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब और थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बोन की बात करें, हड्डियों के प्रकार की बात करें, हड्डियों के प्रकार
एक शब्द आपने हर 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 जगह देखते होंगे ना कि टाइप्स की बात होती होगी, कोई भी विषय पढ़ते होंगे, जैसे रिसर्च की बात करें टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेटिस्टिक्स की बात करें टाइप ऑफ स्टेटिस्टिक्स, तो बोन्स की बात भी करें तो टाइप्स ऑफ बोन्स, अगर हम टिश्यूज की बात करें वहां भी टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बात आती है तो टाइप्स ऑफ बोन। तो लेकिन टाइप के लिए जहां टाइप है, जहां वर्गीकरण की बात होती है, जहां प्रकार की बात होती है, उसके लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, बिना आधार के वर्गीकरण नहीं हो सकता। तो जितनी भी हड्डियां हैं हमारे शरीर में, जिन उन सब हड्डियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो तीन आधारों पर है, कि इन तीनों के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। एंड दीज आर डिवाइडेड, दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर। पहली बात कि हड्डियों का आकार है, कोई छोटी है, कोई मध्यम है, कोई बड़ी है, किसी कोई लेंदी है, कोई वो कोई शे। दूसरा है फॉर्मेशन, सबकी फॉर्मेशन अलग अलग है, और वर्किंग सबकी कार्य प्रणाली या कार्यशैली अलग अलग है, कार्य अलग है सबका। तो कुल मिलाकर हमें ध्यान रहे कि हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, जो कि बात हो चुकी है 206 हैं और कैल्शियम और सॉल्ट की बनी हुई हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है, उसके आधार तीन हैं। यहाँ जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उसके आधार तीन हैं, आकार, फॉर्मेशन, वर्किंग। इस आधार पर जितनी भी हड्डियां हैं उनको 6 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। फ्लैट, चपटी हड्डियां हैं, चपटी, फ्लैट बोन्स। अब प्रश्न उठा कि ये फ्लैट बोन कहाँ पाई जाती हैं? दीज आर फाउंड इन अवर स्कल एंड स्कल्प। जो एक हमारा जो स्कल है, सर का हिस्सा है, कनपट्टी जो हिंदी में कहें, वहां ये फ्लैट बोन्स पाई जाती हैं। कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हैं। हो सकता है कि प्रस्तुतिकरण के अगले भाग में कुछ ऐसी बातें भी आए जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक आधार बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आगे ठीक से पूरा इस सिस्टम हम समझ पाए, ये अस्थि तंत्र हम ठीक से समझ पाए। दूसरे प्रकार की जो बोन है वो है लॉन्ग बोन्स, लंबी। सीधी सी बात है, इट्स क्लियर, वी नो दैट, लंबी आकार की बोन्स हमारे लिम्स में पाए जाएंगे। हमारे लिम्स को 4 लिम्स हैं, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, तो 2 हाथ और पैरों में, हाथ और पैरों में लॉन्ग बोन्स पाई जाती है। आउट ऑफ 6 कैटेगरीज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू, दो की बात हो चुकी है, फ्लैट बोन की बात हो चुकी है, लॉन्ग बोन की बात हो चुकी है। फ्लैट बोन स्कल और स्कल्प में है, और लॉन्ग बोन्स हाथ और पैरों में, हैंड्स और फिट में है। नेक्स्ट प्रोसीड टू द थर्ड कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी में शॉर्ट बोन्स, शॉर्ट छोटे आकार की हड्डियां, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे फिंगर्स में, थम्स में, वो बात होगी, कार्पल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं, हाथ, फिंगर्स या थम्स में पाई जाती है। अगला है इरेगुलर, इरेगुलर मीन्स जिसकी कोई एक पर्टिकुलर आकार नहीं है, बे आकार, इरेगुलर, इरेगुलर शेप है। तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, जिसके विभिन्न भाग भी हैं, जिसके विभिन्न रीजंस हैं, तो सब रीजंस में जो स्पाइनल कॉर्ड में है वो इरेगुलर बोन्स पाई जाती हैं। तो 6 में से 4 की चर्चा हो चुकी है। अगला क्यूबिकल, क्यूबिकल कहाँ पाए जाते हैं? रिस्ट और एंकल्स में, हमारे जो रिस्ट में और एंकल्स में क्यूबिकल बोन पाई जाती है, हमारी कलाई में और टखने में, ये हमारी क्यूबिकल बोन पाए टखने में पाई जाती है। अगली है क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म एक अलग से एक कैटेगरी इसलिए डिवाइड की गई है क्योंकि ये जो बोन्स हैं ये पाई जाती है यूनिफॉर्म शेप में, ये पाई जाती है सेकंड रो ऑफ एंकल्स, जो एंकल है, एंकल के सेकंड रो में। आई विल डिस्क्राइब इन डिटेल आल्सो, इसको मैं एक विस्तारित रूप से भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अभी केवल इतना दिमाग में रखें साथ साथ कि 206 बोन है, और ये 206 की 206 कैल्शियम और सॉल्ट से बनी है, और ये 206 इन 6 में से किसी ना किसी कैटेगरी में आती हैं। इन 206 में से कुछ फ्लैट हैं, कुछ लॉन्ग हैं, कुछ शॉर्ट हैं, कुछ रेगुलर हैं जो स्पाइनल कॉर्ड एक्ट के सामने एग्जाम्पल है, कुछ क्यूबिकल हैं और कुछ यूनिफॉर्म है। तो अलग अलग कैटेगरी में अब कितनी बोन कहाँ पर होंगी, कितनी बोन कहाँ पर पाई जाती हैं, मेन उद्देश्य तो इस क्लास का वही है, इस कक्षा का, इस प्रस्तुतिकरण का मेन उद्देश्य वही है कि हम पूरे अस्थि तंत्र के बारे में विस्तार से जान लें, और फिर थोड़ा सा इसका योग के साथ देखेंगे सहसंबंध की, व्हाट इज द एसोसिएशन
ऑफ दिस सिस्टम विद योग, योग से बोन्स पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस इसकी कार्य की बात करें कि क्या हमारा शरीर बिना हड्डियों के होता तो क्या होता, तो कौन कौन से फंक्शंस हैं। फंक्शंस आर वेरी क्लियर, फंक्शन बिल्कुल स्पष्ट है, कार्य बिल्कुल स्पष्ट है। कोई एक टिपिकल कार्य नहीं है कि ऐसे कार्य जो हमारी समझ से परे हों चाहे हमारी समझ से बाहर हों। प्रोवाइड स्टिफनेस, शरीर को कठोरता प्रदान करती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, यदि शरीर में हड्डियां नहीं होती तो एक व्यंगात्मक रूप से इन द लैंग्वेज ऑफ ए जोक हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर फुटबॉल होता, फुटबॉल की तरह गोल होता। जो उसको स्टिफनेस है, कठोरता जो प्रदान की है, वो हड्डियों की, हड्डियों के अलावा तो एक फिर एक फुटबॉल की तरह शरीर इकट्ठा हो जाता है। एक व्यंगात्मक एग्जाम्पल है जरूर, लेकिन इट इज ट्रुथ, लेकिन यह सत्य है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, हमें संतुलन प्रदान करता है। संतुलन, हम खड़े होते हैं चाहे किसी भी अवस्था में, बैठना, खड़े होना, चलना, वॉकिंग, संतुलित रहते हैं, गिरते नहीं है। एक लेमैन की भाषा में एक संतुलन हमें प्रदान करता है। हमारा शरीर का संतुलन हम हड्डियों के द्वारा, अस्थियों के द्वारा बनाए रखते हैं, चाहे वो दोनों पैरों पर बनाए रखें, चाहे हम आसन के दौरान करें। कुछ आसन संतुलन वाले आसन है ना, हम रोज आप सीखते होंगे प्रैक्टिकल क्लास में, कि ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, वृक्षासन है। तो इन सब आसनों में स्टेबिलिटी चाहिए ना, संतुलन चाहिए ना, कि क्या हड्डियां नहीं होती तो ताड़ासन करना संभव था, संतुलन में खड़े हो सकते थे? नो। क्या वृक्षासन हो सकता था, क्या तिर्यक ताड़ासन हो सकता था, या दूसरे भी, चाहे हम रिवर्स संतुलन की बात करें, चाहे शीर्षासन की बात करें, यदि हड्डियां नहीं होती तो क्या शीर्षासन की अवस्था में खड़ा होना संभव था? नहीं था संभव। कि दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी, यह स्टेबिलिटी यह शरीर को संतुलन प्रदान करता है। गिव सपोर्ट टू द बॉडी, हमारे शरीर को सपोर्ट भी मिलती है। गिव फॉर्म टू ए बॉडी, एक शरीर को एक आकार मिलता है, एक पर्टिकुलर आकार, की लेंथ अधिक है, ब्रेड अधिक है, ब्रेड कम है, सॉरी, लेंथ अधिक है, ब्रेड कम। शरीर को एक आकार दिया गया, हमारे शरीर का एक आकार है ना, उस परमात्मा ने, उस रचयिता ने, इस प्रकृति ने हमारे शरीर को एक आकार दिया है। लेकिन वो आकार किसके द्वारा दिया गया है, उसमें मुख्य भूमिका उस आकार देने में किसकी है, हड्डियों की है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, दिस गिव फॉर्म टू द बॉडी, सॉरी, दिस एक्सटेंड्स वाइटल ऑर्गन्स। ये जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो संवेदनशील ऑर्गन है हमारे शरीर के, उनकी रक्षा करते हैं। मान लीजिए हम कहीं गिर गए, असंतुलन की अवस्था पैदा हो गई और हम गिर गए और हमारा सर टकरा गया नीचे, तो ब्रेन तो बहुत ही सेंसिटिव, नाजुक अंग है ना हमारा, तो कौन रक्षा कर रहा है? हमारी जो फ्लैट बोन्स है सर की, वो काफी हद तक रक्षा करती है। चेस्ट की बात करें, रिब्स है, हमारी लंग्स की रक्षा कौन कर रहा है? वाइटल ऑर्गन हमारा हृदय है। हृदय पर अगर हमारे रिब्स नहीं होते, कोई पंच मार दे हृदय पर, तो उसी समय दैट विल लीड टू द डेथ। तो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन वाइटल ऑर्गन्स की रक्षा भी, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। आप सब जानते हैं कि हमारे जितने भी नाजुक अंग हैं, नाजुक अंगों की रक्षा भी हमारी हड्डियां करती हैं। और नेक्स्ट पार्ट इज प्रोवाइड लीवर टू द बॉडी। लीवर, लीवर को हिंदी में कहेंगे तुला, तुला प्रदान करती है। तुला के बारे में यदि आपने फिजिक्स में स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा, उसमें फलकर्म होता है, उसमें पावर आर्म होती है, उसमें एक रेसिस्टेंस आर्म होती है। और एक शब्द और सुना होगा आपने, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज मीन्स मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम लागत में अधिक से अधिक अर्जित कर लेना। तो हम एक कठिन से, एक लेमैन की भाषा में, कठिन से कठिन कार्य कर देते हैं, क्योंकि एक लीवर, एक क्योंकि हड्डियां लीवरेज प्रदान करती हैं। लीवर एक तुला का काम करती है, जिसमें जिससे कि हमें मैकेनिकल एडवांटेज, हमें यांत्रिक लाभ मिलता है। वो यांत्रिक लाभ संभव नहीं था यदि हड्डियां नहीं होती। जिसमें कि किसी भी ज्वाइंट की बात करें, तो ज्वाइंट फलकर्म का काम करती है। और थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में बात करें, तो ज्वाइंट हमारा फलकर्म का काम करेगा, मांसपेशियां हमारी पावर आर्म का काम करेंगी, पावर के काम करेंगी, फोर्स का काम करेंगी। और जो रेसिस्टेंस का बात है, मान लीजिए वेट उठा रहे हैं या अपने शरीर के किसी हिस्से को उठा रहे हैं हम, तो वो हमारा रेसिस्टेंस हो गया। तो एक तुला में तीन चीजें होती हैं, ये फलकर्म होता है, रेसिस्टेंस आर्म होती है, पावर आर्म होती है, मीन्स रेसिस्टेंस और पावर है, और ये लीवर
हड्डियों के द्वारा ही हमें एक निर्मित होता है शरीर में कुछ भी कार्य करते वक्त। तो ये फंक्शंस की बात की हमने, टाइप्स की बात हो चुकी है, फंक्शंस की बात हो चुकी है, अब थोड़ी और आगे बढ़ते बोन। अब बोन के बारे में थोड़ा सा शुरू में तो बात की थी हमने कि हड्डियां 206 हैं और कैल्शियम और सॉल्ट की बनी है, तो कैल्शियम तो बात हो गई थी, लेकिन सॉल्ट भी, कैल्शियम भी तो सॉल्ट है ना, तो कौन कौन से सॉल्ट इसमें है, लेकिन इस पूरी बोन के बारे में इसकी पूरी बात जान लें संक्षिप्त में कि क्या इसमें हो सकता है। कुछ बातें आप सबके लिए नई हो। बोन इज लाइक ए ट्यूब, एक ट्यूब है, ट्यूब क्या होती है, अंदर से होलो होती है, ट्यूब क्या है, अंदर से खोखली होती है, तो अंदर खोखली है, जितनी भी हड्डियां अंदर से खोखली है, क्यों, क्योंकि उसे बोन मैरो होता है, रेडिश पार्ट, दैट इज द रेडिश पार्ट। और दूसरी बात, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये शरीर का सबसे कठोर भाग है, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, इट इज द हार्डेस्ट हार्डेस्ट पार्ट, सबसे कठोर, हड्डियों से कठोर तो हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है, इनसाइड द बोन देयर इज ए मैरो। पहले पॉइंट में बताया गया था कि एक ट्यूब के आकार की होती है, ट्यूब वैसी होगी, ट्यूब के आकार थे कि उसके बीच का भाग खोखला होगा, तो अंदर का जो खोखला भाग है उसमें इनसाइड बोन देयर इज ए मैरो, उस खोखले भाग को कहते हैं मैरो, और वो इन मिडिल जो ठीक उसका बीच है उस दैट इज नोन एज रेड मैरो, उसको रेड मैरो के नाम से जाना जाता है, और एट शर्ट्स जो उसके बाहरी की जो परत सी है दैट इज येलो इन कलर, दैट इज नोन एज येलो मैरो। तो कुल मिलाकर एक ट्यूब है, ट्यूब क्यों है, खोखली है, दूसरी बात हार्डेस्ट है, उससे कठोर शरीर में कुछ भी नहीं है, और अंदर से जो खोखली भाग है उसमें बोन मैरो रहती है, बोन मैरो मीन्स जो ठीक बीच में है वो रेड मैरो, और उसके थोड़ा सा चारों तरफ है वो येलो मैरो। अब प्रश्न उठा, देन द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन कौन से सॉल्ट्स के द्वारा ये बोन बनी हुई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी शुड कीप इन योर माइंड, हम अपने दिमाग में बैठा लें, कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट और मैग्नीशियम, ये सॉल्ट है, हमारे हड्डियों का निर्माण हुआ है कैल्शियम के द्वारा, कार्बोनेट के द्वारा, फॉस्फेट के द्वारा और मैग्नीशियम के द्वारा, ये भी नई बात नहीं होगी, लेकिन अगली बात आप में से कुछ के लिए नई हो सकती है। बिफोर बर्थ, माँ जब बच्चे को जन्म देती है, जन्म से पहले जो गर्भ में कोई शिशु रहता है, तो एट दैट टाइम नो बोन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए चाइल्ड, चाइल्ड के जो शरीर में बोन्स नहीं होती हैं उस समय केवल, तो अब प्रश्न उठा कि क्या होता है, तो उस समय बच्चे के शरीर में बोन सेल्स होते हैं, बोन सेल्स से ही हड्डी का निर्माण होगा, और आफ्टर बर्थ जैसे जन्म लिया बोन हड्डियां बननी शुरू हुई, और वो हड्डियों के फॉर्मेशन में, हड्डियों का फॉर्मेशन शुरू हो गया, हड्डियों का निर्माण शुरू हो गया, ये प्रक्रिया, यानी इसमें जो गर्भ के शुरुआत की बात कर रहे हैं हम, कि आरंभ में गर्भ में बच्चे में कोई बोन नहीं होती है, वो केवल एक बोन सेल्स होते हैं, और ये बोन सेल्स ऐसे हैं, एंड बाय द हेल्प ऑफ दीज बोन सेल्स बोन्स आर जनरेटेड, यानी बोन्स की उत्पत्ति, हड्डियों की उत्पत्ति, हड्डियों की संरचना, हड्डियों का निर्माण इन सेल्स के द्वारा होता है। तो ये बोन के बारे में थोड़ा सा जान लिया हमने, बोन मैरो के बारे में जाना, ये ट्यूब के प्रकार, फिर सॉल्ट्स के बारे में जाने की, कौन कौन से चार सॉल्ट मुख्य हैं, कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट मैग्नीशियम, और जन्म से पहले सेल्स थे लेकिन उन सेल्स के द्वारा ही इनका निर्माण हुआ, आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हड्डियों की मजबूती कब तक हो सकती है, हड्डियों का विकास कब तक हो सकता है। वी कैन डेवलप द बोन्स अप टू द एज ऑफ 25, केवल 25 साल की उम्र तक हड्डियों का विकास हो सकता है, एज पर द रिसर्च स्टडीज, अनुसंधान कार्य या शोध कार्य जितने भी हो चुके हैं उनके आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि हड्डियों का निर्माण केवल 25 साल तक की उम्र तक, सॉरी, हड्डियों का विकास केवल 25 साल की उम्र तक हो सकता है, उसके बाद तो डिटोरेशन विल टेक प्लेस, उसके बाद तो केवल डिटोरेशन होगा, उसके बाद तो क्षीण होनी शुरू होगी,
ओनली बाय द हेल्प ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, योग अभ्यास से या दूसरे अभ्यासों से, लेकिन हम उसको डिटोरेशन को स्लो डाउन, उस प्रोसेस को, वो क्षीण होने की प्रक्रिया को स्लो डाउन कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा स्लो डाउन का अर्थ है कि उसमें उसकी गति धीमी कर सकते हैं, लेकिन रोक तो नहीं सकते। तो दिमाग में रहे कि डेवलपमेंट ऑफ द बोन टेक्स प्लेस ओनली एट द एज ऑफ 75। अब थोड़ा स्पेसिफिक बात, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स की, कहां पर कितनी हड्डियां, कहां पर कितनी हड्डियां, टॉप से बॉटम की बात करते हैं। टॉप से बॉटम की बात से मेरा अर्थ है कि सर से शुरू करेंगे और पैरों तक चलेंगे, कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड आई विल डिस्कस टिल आवर लेग्स एंड टो। हेड, सर में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे नीचे आप देख रहे हैं स्लाइड में कि कुल हड्डियां हैं 206। इन 206 हड्डियों का वर्गीकरण किया गया है। ऑल द बोन्स आर क्लासिफाइड हेयर ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, के शरीर के किस भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। इससे पहले आरंभ में, इससे पहले शुरू में, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। शुरू में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में बात की थी। क्यों? फॉर्मेशन के आधार पर, फंक्शंस के आधार पर, शेप के आधार पर। तो उनमें से किस फॉर्मेशन की, किस शेप की और क्या कार्य है, उसकी चर्चा नहीं हो रही यहाँ। केवल बात हो रही है कि सर में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, फेस पर, हमारे फेस पर 14 हड्डियां पाई जाती हैं, एंड इन ईयर्स वी हैव 6 बोन्स। हमारे कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं, और नेक में, हमारे नेक रीजन में, सी माय कर्सर, मेरे कर्सर पर भी ध्यान देते रहिएगा, नेक में वी हैव ओनली 1 बोन, एंड जो थोरेक्स जोन है हमारे, उसमें 25 हड्डियां। इन 25 हड्डियों की विस्तार से चर्चा करेंगे। और बैक में, हमारे बैक में पाई जाती है 26 हड्डियां। इन द बैक वी हैव 26 बोन्स। अपर लिम्ब, अपर लिम्ब मीन्स दोनों हाथ, अपर लिम्ब हाथ, हमारे हाथ है दोनों अपर लिम्ब, दोनों हाथों में 64 हड्डियां। इन अपर लिम्ब, इट मींस इन बोथ द हैंड्स वी हैव 64, इट मींस 32 बोन्स इन वन हैंड। लोअर लिम्ब में एक एक हड्डी दोनों पैरों में कम पाई जाती है। इन लोअर लिम्ब वी है, लोअर लिम्ब मींस पैरों में, दोनों पैरों में जो हड्डियां पाई जाती हैं, टोटल 62। इन द लोअर लिम्ब, इट मींस इन बोथ द लेग्स, दोनों ही पैरों में हमें जो हड्डियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में, वो आती है 62। इट मींस 31 इन ईच लेग, प्रत्येक में 31। तो टोटल बोन्स हुए 206। अगेन आई रिपीट, बहुत काम की बात है। इन हेड वी हैव 8, इन फेस वी हैव 14, इन ईयर्स वी हैव 6, इन नेक वी हैव 1, इन थोरेक्स जोन वी हैव 25, इन बैक 26, इन अपर लिम्स मीन बोथ द हैंड्स वी हैव 64, 32 इन ईच हैंड, एंड इन लोअर लिम्ब इन बोथ द लेग्स वी हैव 62, इट मींस इन वन लेग वी हैव 31। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूशन की बात, ये थी बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन शरीर के विभिन्न भागों में। अब डिवीजन ऑफ स्केलेटन बोन्स, यदि पूरे शरीर की हड्डियों को ठीक से समझना चाहें, यदि हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उसको, उनकी लोकेशन को, उनकी स्थिति को, उनके फंक्शंस को ठीक से समझना चाहें, तो वी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। क्योंकि जो पिछली स्लाइड थी, इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया था। पूरे 206 को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन अब एक लॉजिकल, एक सिस्टमेटिकली, एक क्रमशः बात करेंगे हम कि डिवीजन ऑफ स्केलेटन बोन्स, स्केलेटन बोन्स का, कि हेड और स्कल, जो हमारा स्वर और स्कल है, और दूसरा है ट्रंक, और तीसरा लिम्स। वहां पिछली स्लाइड में लिम्स की अलग अलग बात की थी हमने, अपर लिम्स को अलग लिया था, लोअर लिम्स को अलग लिया था, और ट्रंक के भी अलग अलग भाग कर दिए गए थे। लेकिन अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पूरे शरीर को हड्डियों की के स्थिति को समझने के लिए, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए, इस पूरे सिस्टम को 3 विभिन्न उपभागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला भाग है हेड और स्कल, दूसरा भाग है ट्रंक, और तीसरा भाग है लिम्ब्स। नाउ आई विल डिस्कस ईच पार्ट वन बाय वन। अब प्रत्येक भाग की एक के बाद एक चर्चा करते हैं।
लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, इसमें थोड़ा समय लेंगे। सी माय कर्सर, मेरा जहां भी कर्सर रहे उसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि पहला बता चुका हूं सी कि हेड और स्कल पहला भाग, इसकी चर्चा करने वाले हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे ट्रंक की, बात करेंगे उसके बाद लिम्स की बात करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं पहले भाग से, और पहला भाग क्या था क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में, हेड एंड स्कल। हेड और स्कल के टू पार्ट है, इसको भी उपविभाजित कर दिया गया, इसको भी दो विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला भाग तो ले लिया है फेस, जो सामने का पार्ट, फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, ये फेस है, जो कर्सर को देखिए फेस सामने का भाग है। और दूसरा भाग है क्रेनियम और ब्रेन चैम्बर, ये है क्रेनियम और ये बीच है, ये क्रेनियम और ब्रेन चैम्बर। तो ये जो फेस और क्रेनियम, इन फेस के बारे में तो बात हो चुकी है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, स्कल का फ्रंट पार्ट है, और क्रेनियम क्या है या ब्रेन चैम्बर, चैम्बर में चैम्बर क्या होता है, जहां किसी, जहां कोई कुछ ना कुछ हो, चैम्बर जहां ब्रेन का निवास है, जहां ब्रेन की स्थिति है, जहां मस्तिष्क की स्थिति है, दैट इज नोन एज ब्रेन चैम्बर, दैट इज द बैक पार्ट ऑफ द स्कल। वो क्या है, बैक पार्ट ऑफ स्कल है, एंड ब्रेन इज प्लेस सेफली इनसाइड इट, और सुरक्षा से ब्रेन इसमें स्थित है, क्योंकि जितने भी हमने फंक्शंस की बात की थी, जितने भी कार्यों की बात की थी इसके स्केलेटल सिस्टम की, तो उसमें एक फंक्शन था, इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स की, यह प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है वाइटल ऑर्गन्स की, और ब्रेन हमारा वाइटल ऑर्गन है, नाजुक, बिल्कुल नाजुक ही भाग है, तो इसको, ये हमारा जो क्रेनियम है, जो ब्रेन चैम्बर है, इसमें सुरक्षित है। तो अब दोनों की बात कर लेते हैं, फेस की बात करते हैं। फेस में टोटल 14 बोन है, वी हैव टोटल 14 बोन्स इन लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि समय आवंटित किया गया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, कुछ भाग मस्कुलर सिस्टम का भी हमें करना है। तो यहाँ पर प्रस्तुत नहीं की गई है 14 की 14 हड्डियां, लेकिन इतना ध्यान रहे कि 206 हड्डियों को हमने तीन भागों में बांटा, उन तीन भागों में से पहला हेड और स्कल, हेड और स्कल को भी हमने दो भागों में बांट दिया, फेस और क्रेनियम में। तो उस फेस और क्रेनियम में, फेस में टोटल 14 हड्डी है, और क्रेनियम में, टोटल क्रेनियम में हमारा की, जो कि बताया गया है कि एट द बैक फेस होलो बोन इज प्रेजेंट, जो फेस के पीछे एक होलो बोन पाई जाती है, तो इसके अंदर 8 बोन है, 8 हड्डियां हैं। पहली है फ्रंटल, सी माय कर्सर, मेरे कर्सर को देखिए, ये है फ्रंटल बोन, माथे पर जो है फ्रंटल, फ्रंटल बोन। इसके बाद है पेरिटल, पेरिटल दो होंगी, पेरिटल लेफ्ट और राइट दो पेरिटल है, ये देख लीजिए आप पेरिटल बोन, कर्सर को देखिए। अगला है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बिल्कुल ठीक पीछे, बिल्कुल सर के नीचे पीछे बिल्कुल है जो ऑक्सीपिटल बोन है। तो टोटल हो गई 4, है कितनी टोटल 8, फ्रंटल अकेली माथे पर, पेरिटल दो दोनों तरफ, ये जो कर्सर देख लीजिए, ऑक्सीपिटल 1 पिछला भाग, टेम्परल, टेम्परल जो हम कान के ऊपर कनपट्टी के पास कह देते हैं, जो कि टेम्परल दो बोन है, ये देखिए राइट साइड की है, इसी तरह से ठीक इसके विपरीत भाग में होगी। और फिर है स्फ्रॉइड, स्फ्रॉइड बोन, और अगली है इथमॉइड, स्फ्रॉइड एंड इथमॉइड। तो ये है बोन्स आप सबके समक्ष दिखाई गई हैं, सॉरी ये आप सबके समक्ष दिखाई गई हैं। तो ये था सारी बोन्स, हेड और स्कल जो पहली कैटेगरी थी उसकी बोन, जो कि दो भागों में विभाजित थी, फेस 14, क्रेनियम में 8, फ्रंटल दो, पेरिटल, ऑक्सीपिटल 1, टेम्परल 2, स्फ्रॉइड 1, एथमॉइड 1, स्फ्रॉइड और एथमॉइड 1 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इन तीन भागों में से, पूरे शरीर को जो तीन भागों में बांटा गया था, इन तीन भागों में से एक की चर्चा हो चुकी है, अब बात करते हैं ट्रंक की। ट्रंक, ट्रंक मींस, अगर पूरे शरीर से स्कल को और लिम्ब्स को हटा दिया जाए तो बचा हुआ भाग ट्रंक कहलाता है। लिम्ब्स मींस दोनों हाथों को, दोनों पैरों को छोड़कर, और हमारे स्कल को, गर्दन के ऊपर, गर्दन से ऊपर के हिस्से को छोड़कर जो पार्ट है, दैट इज नोन एज ट्रंक।
तो जैसे ही स्कल को दो भागों में बांटा था, फेस और क्रेनियम में, उसी प्रकार से ट्रंक को ठीक से समझने के लिए तीन विभिन्न भागों में यहाँ पर आप सबके समक्ष विभाजित किया गया है, जिससे कि हम ठीक से समझ पाए। पहला भाग है सीकर्स बैकबोन, रीढ़ की हड्डी स्पाइन कहेंगे या वर्टिब्रल कॉलम भी कॉलम कहा जाता है। दूसरा है रिबबोन या रिब्स, हमारी रिब्स जो है। और तीसरा जो भाग है वो है ब्रिस्ट बोन या स्टेरनम, जिसको कहा जाता है स्टेरनम। तो ये कहानी थी तीनों की। अब आई विल डिस्कस अबाउट ईच कैटेगरी ऑफ ट्रंक वन बाय वन। जो ट्रंक की तीन जो विभिन्न भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, इन तीनों की विस्तार से चलो चर्चा करेंगे। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज थ्री। फर्स्ट वन इज, लेट अस स्टार्ट विद द बैकबोन, स्पाइन, वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम, तीन नामों से आप सबके समक्ष दर्शाया गया है। इसको बैकबोन भी कहा गया है या इसको स्पाइन कहें। देखिए ये पूरी है, स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है हमारी। दिस इज द टॉप, दिस इज द बॉटम, और इसमें टोटल हड्डियां होती हैं 33 इररेगुलर बोन्स। आकार के आधार पर हमने शुरू में चर्चा की थी, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड इन द बिगिनिंग ऑफ माय प्रेजेंटेशन, कि जितने भी टाइप्स थे उनमें से एक इरेगुलर बोन थी, और वहां चर्चा हुई थी कि दीज इरेगुलर बोन्स आर फाउंड इन बैकबोन, और वी कैन से दैट इन स्पाइन, और वी कैन से दैट इन वर्टिब्रल कॉलम। तो इसमें ये टोटल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये टोटल हड्डियां पाई जाती है 33, कि देर आर 33 इरेगुलर बोन्स, के 33 इरेगुलर बोन यहाँ पर पाई जाती है इस भाग में, ट्रंक के पहले भाग में। और ट्रंक के पहले भाग को हमने नाम क्या दिया है, बैकबोन या स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 33 बोन तो अलग बात है, लेकिन ये 33 बोन पाई जाती है चाइल्ड में, बच्चे में, लेकिन इनकी संख्या कम हो जाती है। इनकी संख्या कैसे हो जाती है, 26। क्यों? कि जो लास्ट वर्ट ये देखिएगा, जो लास्ट वर्टिब्रा है ज्वाइन इन टू ग्रुप्स, ये लास्ट वर्टिब्रा है, ये जो लास्ट की चार बोन है वो चार बोन मिलकर एक हड्डी का निर्माण कर लेती है, और उसके नीचे जो पांच हड्डियां हैं वो पांचों मिलकर एक हड्डी का निर्माण कर लेती है, जो कि यहाँ जिसको कहा गया है। अब शुरू करते हैं पहले से, जो 33 इरेगुलर बोन्स हैं जो कि मिलकर बैकबोन को बनाती हैं, तो इसको कुल पांच विभिन्न हिस्सों में बांटा गया है, इसको भी वर्टिब्रल कॉलम को, कि क्यों, कर्वेचर के आधार पर, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कर्व है इसमें, तो कर्वेचर के आधार पर, जहां पर कर्व हल्का सा चेंज होता है, तो उसके आधार पर इसको विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला रीजन है, दिस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजंस, एंड द फर्स्ट रीजन इज नोन एज सर्वाइकल रीजन। आपने सुना होगा ना, सर्वाइकल पेन हो गया, उसके लिए कुछ सर्वाइकल पेन के लिए कुछ आसन बताइए, आप अपने योग एक्सपर्ट से पूछते होंगे, आपसे कोई पूछेगा, तो दिस इज नोन एज सर्वाइकल जोन। इस पहले जो है, पहली सात हड्डियां होती है इरेगुलर बोन, 1 2 3 4 5 6 7, तो सर्वाइकल जोन में सात हड्डियां पाई जाती हैं। यहां पर हल्का सा कारण ने चेंज लिया, और दिस नेक्स्ट जोन इज नोन एज थोरासिक जोन। थोरासिक जोन में 12 हड्डियां पाई जाती हैं, टोटल 12 बोन्स आर देयर फ्रॉम हेयर टू हेयर, और हल्का सा फिर कर चेंज हुआ है, दैट्स नोन एज लंबर रीजन। लंबर रीजन में भी आप कब देखे होगा कि किसी की पोस्चर ठीक नहीं होगा, सिटिंग हैबिट ठीक नहीं होगी, या सुबह से शाम तक बैठने का काम है, तो उसके लंबर रीजन में भी पेन हो सकता है, लंबर रीजन में भी डिफेक्ट आ सकता है। तो इस लंबर रीजन में पांच हड्डियां पाई जाती हैं, तो 7 प्लस 12 प्लस 5, अब बची हड्डियां 9, किसमें, चाइल्ड में, लेकिन एडल्ट में केवल 2। उससे अगला भाग जो कि चौथा भाग है सैक्रम। सैक्रम क्या है, सैक्रम जो कि पांच हड्डियां मिलकर एक हड्डी का निर्माण कर लेती हैं, कर्सर को देखिए आप कि पांच हड्डियों का मिलकर चाइल्ड में ये पांच पाई जाती है, एडल्ट में एक, ये कहलाता है सेकंड रीजन। और लास्ट इज कॉक्सेक्स।
कॉक्सिक्स में चार हड्डियां मिलकर एक हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। तो यहाँ पर एक बात कर दूं, योग की बात को भी मैं बीच में लाना उचित तो समझूंगा। आप योग सब योग के ज्ञाता है, योग के प्रगाढ़ विद्वान है, योग की प्रगाढ़ विदुषियां हैं। तो योग में कुंडलनी का तो सुना होगा ना, कि आपने विभिन्न चक्रों की बात भी पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे कि वी हैव सेवन एनर्जी सेंटर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, हमारे शरीर में सात ऊर्जा के केंद्र हैं। और जो बॉटम में जो हमारा चक्र, वो जो चक्र है मूलाधार चक्र, दैट इज सिचुएटेड एट ओपनिंग ऑफ एनस, वास्तव, और उसी के पास सेक्रम पर, सेक्रल बोन पर या कॉक्सिक्स पर हमारी कुंडलिनी का निवास है इनएक्टिवेटेड स्टेट में। कुंडलिनी क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी कि वी कैन बाय द हेल्प ऑफ योग, योग के माध्यम से वी कैन एक्टिवेट दैट कुंडलिनी। तो इस जो कॉक्सिक्स की बात करें, सेक्रम बोन की बात करें, दिस इज नोन एज होली बोन। लगभग लगभग हर धर्म में, अब थोड़ा सा साइंस से हटके फिलोसफी की बात करते हैं, लगभग लगभग हर धर्म में इस हड्डी को पवित्र अस्थि कहा है, दिस बोन इज नोन एज होली बोन। अब प्रश्न उठा कि जो हम लास्ट बोन की बात कर रहे हैं, कॉक्सिक्स या सेक्रम की, तो इसको होली बोन क्यों कहा गया? ये हिप्पोक्रेट्स के नाम के समय से ही, या हिरनस्टाउन के समय, हिरनस्टाउन के नाम से जाने जाती थी। रोमन में भी ये मान्यता थी कि हाँ, दिस बोन इज नोन एज होली बोन, कि ये पवित्र हड्डी है ये। लेकिन उस समय आश्चर्य बना रहा कि व्हाई दिस बोन इज नोन एज होली बोन, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम की। तो इसी जो कि बैक बोन का जो लास्ट पार्ट है, इसको पवित्र अस्थि क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया धर्मों में? तो उसके चर्चा हुई बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों की उस समय, एंशियंट टाइम में। किसी ने कहा कि हमारे, सिंस दिस इज यूज्ड इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि हमारे धर्म के कर्म कांडों में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए हो सकता है। किसी ने कहा कि दिस इज प्रोटेक्ट्स अवर जेनिटल ऑर्गन्स, ये हमारे जननांगों को सुरक्षित रखती है, इसलिए हो सकता है। लेकिन एक प्रगाढ़ विद्वानों के बड़े समूह ने निष्कर्ष उस समय लिया कि सिंस दिस बोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर रीबर्थ, क्योंकि यह हड्डी हमारे पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसको कहा जाता है हॉली बोन, इसलिए इसको कहा जाता है पवित्र अस्थि। केवल यही नहीं, इसकी चर्चा तो मुस्लिम्स में भी है। एक ग्रंथ आप पढ़ेंगे कभी, हदीथ, अबू हुरैरा द्वारा रचित, उसमें दिस बोन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अल्लाह विल क्रिएट ए न्यू बॉडी बाय द हेल्प ऑफ दिस बोन, की इस अस्थि को नष्ट नहीं किया जा सकता, अल्लाह इस हड्डी से, इस अस्थि से नए शरीर का निर्माण करेगा। इस तरह की बातें धर्म में लिखने का तरीका अलग है, लिखा किसी अलग रूप में हो सकता है, लेकिन इन ईच एंड एवरी रिलीजन दिस हैज बीन मेंशनड। यदि हम इंडियन आइकनोग्राफी की बात करें, भारतीय प्रतिमा विज्ञान की बात करें, इसमें भी सेक्रम बोन की, सेक्रम बोन की, सेक्रल बोन या की बात करें, जिस पवित्र अस्थि की बात करें, तो इसमें कहा गया है कि श्री शिव के जो गजानन, इसके शासक माने गए मूलाधार चक्र के। और यदि हम आइकनोग्राफी की बात करें, तो जो इसके जो इसमें एक शेप, जो ट्रंक का शेप भी है, इसमें इलियट बोन ईयर्स को दर्शाती है। तो ये तो एक डिबेट का इश्यू है, लेकिन वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि व्हाई दिस बोन, व्हाई दिस लास्ट पार्ट ऑफ बोन, लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज होली बोन। तो आगे चलते हैं, अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन देखिए, इट इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की तरह ही है। चार कारों हैं, कर नंबर एक, कर नंबर दो, कर नंबर तीन, कर नंबर चार, और इन कारों के आधार पर ही बात हो गई थी कि भाई डिवाइड किया था और किस भाग में कितनी हड्डियां थी, उसकी चर्चा हो चुकी थी। तो एक कर्वेचर्स की बात करें, तो रीजन की बात भी कर लेना कि कौन सा कर्वेचर किस रीजन में पाया जाता है। तो जो पहला है सर्वाइकल कर्व या सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये हमारे नेक रीजन में है, सेवन बोन्स आर प्रेजेंट, पहले बात हो चुकी है। दूसरे रीजन को कहा जाता है डोर्सल कार्व या डोर्सल वर्टिब्रा, जो कि यहाँ पहली स्लाइड में बात की थी, उसको हमने थोराकिक कहा गया था, थोराकिक रीजन। ये क्या है? हमारी बैक, जो हमारी बैक है, पीठ का हिस्सा, उसके ठीक पीठ में पाई जाती है, 12 हड्डियां हैं, बात हो चुकी है।
अगला है लंबर कर्व, अगला तीसरा जो कर्व है लंबर कर्व है या लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, वेस्ट में हमारी कमर में जिसमें 5 हड्डियां पाई जाती है, बात हो चुकी है। नेक्स्ट कर्व है सेक्रल कर्व या सेक्रम बोन्स, ये दिस मेकअप ऑफ हवर हिप ग्रिडल, हमारे हिप ग्रिडल को बनाता है, दिस इज कनेक्टेड विद हिप और ये हमारे हिप से जुड़ा होता है। एंड दिस मेक ए बेस ऑफ कॉलम, ये जो कॉलम का बेस का निर्माण करता है। और बच्चों में 5 हड्डियां हैं, एडल्ट में 1 हड्डियां, पहले चर्चा हो चुकी है कि 5 हड्डियां मिलकर 1 हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। और लास्ट पार्ट ऑफ सेक्स दो की फैगन एंड ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग है, छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको ये। और एक टेल है, एक हमारी हड्डी की, उसकी हम कहेंगे कि ये तो एक एक अगर हम परिकल्पना पूर्ण बात करें, एक हाइपोथेटिकल बात करें, तो हमारी पूंछ है, हमारी बाहर नहीं निकली है, लेकिन इट इज लाइक ए टेल इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बच्चों में ये 4 है और अडल्ट में एक वयस्क में 1 हड्डी है। तो ये दूसरे भाग की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं रिब्स की, तीसरे भाग की बात करते हैं, रिब्स की बात करते हैं। रिब्स में आपके सामने डायग्राम भी है, पिक्चर भी है। रिब्स में टोटल 24 हड्डियां हैं, 24 हड्डी अरेंज्ड इन 12 पेयर्स, कनेक्टेड विद द बैक बोन और स्टर्नम इन द फर्म इन द फ्रंट। और ये जितने 12 पेयर हैं, 24 हड्डियां 12 पेयर है, और ये 12 के 12 सामने, ये देखिए मोटी, ये स्टर्नम है, सामने से स्टर्नम में जुड़ी होती है, पीछे की तरफ बैक बोन में रीढ़ की हड्डी में जुड़ी होती है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट इज कि रिब्स आर इन 3 सेट्स, ये 3 सेट में पाई जाती है, 3 अलग अलग सेट है, क्योंकि तीनों सेट्स की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जो पहले सेट में है 7 पेयर है, टोटल पेयर कितने 12, 12 में से पहले सेट में 7 पेयर है, दूसरे सेट में 3 पेयर है, 7 और 3 10, और तीसरे पेयर में 2 पेयर, तीसरे सेट में 3 2 पेयर है, तो 7 और 3 10 और 2 12 और टोटल होगी 24। तो पहले से शुरू करते हैं, 7 पेयर, ईच वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टर्नम, ये जितने भी 7 के 7 पेयर है, सातों की सातों हड्डियां स्टर्नम से जुड़ी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान दीजिए, ये सातों की सातों सामने से चेस्ट रीजन में स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, और जो 3 पेयर है भाई, अगले 3 पेयर हैं, वो दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वो तीनों पेयर हैं, जो 3 पेयर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, और एक दूसरे से जुड़कर और 7th रिब से जुड़कर और फिर स्टर्नम से जुड़ते हैं, यानी डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़े। और जो भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जो आखिर के जो 2 पेयर है वो डू नॉट हैव कनेक्टेड विद स्टर्नम, वो स्टर्नम से नहीं जुड़ते, फ्लोटिंग बोन कहलाती है, वो तैरती हुई हड्डियां कहलाती है, पीछे तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी है, पीछे तो जुड़ी हुई है, लेकिन सामने की तरफ दीज आर नॉट कनेक्टेड विद एनी पार्ट, सामने की तरफ वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, किसी चीज से नहीं जुड़ी है, फ्लोटिंग फ्लोटिंग मीन्स तैरना, तैरती हुई बोन की सामने की तरफ तैरती हुई बोन कहलाती है। तो ये रिब्स की बात की थी, ये रिब्स की बात हो चुकी है, अब अगली बात करते हैं स्टर्नम की, क्योंकि इससे पिछली स्लाइड में भी बात हो चुकी है कि हमारी जितने भी रिब्स हैं वो स्टर्नम से जुड़ी हैं, 2 तो हैंगिंग है और 3 आपस में जुड़ के स्टर्नम से जुड़ी हैं, ये 3 आपस में जुड़ के स्टर्नम से जुड़ी हैं, और इसके पीछे 2 हैंगिंग भी हैं, और पहली 5 डायरेक्टली जुड़ी हैं। तो ये जो इसको कहा जाता है ब्रिस्ट बोन, इन एवरेज एक सामान्य और हेल्दी इंडिविजुअल में, एक स्वस्थ व्यक्ति में, इसकी बोन की जो लंबाई होती है 15 से 18 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई होती है 15 से 18 सेंटीमीटर, और टॉप वाइड होता है, देखो ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी होगी, और जैसे जैसे नीचे जाती है इट रिड्यूसेस, इसका इसकी जो चौड़ाई है कम होती जाती है नीचे जाते, एंड इट आल्सो हैज 3 पार्ट्स। इस स्टर्नम के भी 3 पार्ट हैं, स्टर्नम के भी 3 पार्ट कौन कौन से, अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, लोअर पार्ट है। तो देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, बहुत अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है, विस्तारित ये आई होप, आशा रखता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं लिम्ब्स की, लिम्ब्स में तीसरा पार्ट, लिम्ब क्या है, हमारे 4 लिम्ब है, 2 हाथ 2 पैर, तो अपर लिम्ब हाथ कहलाते हैं, लोअर लिम्ब लेग्स कहलाते हैं, थर्ड
थोड़ा स्पीडी, क्योंकि थोड़ी सी बात मस्कुलर सिस्टम की भी करेंगे तो समय थोड़ा उसमें भी चाहिए। तो अपर लिम्स में क्या है, ईच अपर लिम्ब हैव 32 बोन्स। पहले बात हो चुकी है कि प्रत्येक अपर लिम्ब में 32 बोन है। ये देखिए पूरे हाथ की संरचना, पूरे हाथ की बात, अपर ओनली वन बोन, अपर आर्म में, अपर आर्म देखिए, अपर आर्म में केवल एक बोन है जिसका नाम है ह्यूमरस, और फोर आर्म ये है आगे का फोर आर्म, दो हड्डियां हैं, एक रेडियस एक अल्ना है। ये देखिए ये रेडियस है ऊपर है, और नीचे वाले ये अल्ना है, नीचे वाली अल्ना है ऊपर वाली रेडियस है। तो टोटल कितनी है, 32। 32 में से कितनों की बात हो चुकी है, तीन की, ह्यूमरस की बात हो चुकी है, रेडियस की बात हो चुकी है, अल्ना की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कार्पल्स की, कार्पल्स रिस्ट में, रिस्ट में कार्पल्स, कार्पल्स कितने हैं, 8। मेटा कार्पल्स जो रिस्ट और पाम हथेली में है, 5। फेलेंजेस 14 है, कैसे हैं, तीन तीन उंगलियों में है और दो अंगूठे में है, और एक ऊपर ये देखिए कॉलर बोन है, कॉलर बोन, और एक है शोल्डर ब्लेड जिसको कहते हैं स्कैपुला, ये देखिए स्कैपुला है। तो कुल मिलाकर हो गए 32 बोन। तो ये एक इसका डिवीजन था कि ये केवल 32 बोन है, चाहे फिंगर्स टू शोल्डर ले लीजिए, चाहे शोल्डर टू फिंगर्स, अगेन आई रिपीट कि टोटल 32 बोन है। ये ह्यूमरस है, इसके बाद रेडियस है, अल्ना है, उसके बाद ये 8 कार्पल्स है देखिए, इसके बाद 5 मेटाकार्पल्स है सी, और उसके बाद 14 फेलेंजेस है, और एक ये देखिए कॉलर बोन है, और एक ये स्कैपुला है, एक ये एक स्कैपुला है ठीक। तो ये अपर लिम्ब की बात होगी, तो देर इज नो नीड टू डिस्कस अबाउट द अदर टाइप ऑफ लिम्ब, दोनों हाथ एक ही जैसे हैं। तो एक हाथ की चर्चा हो चुकी है, इसका ठीक डबल कर दीजिए, 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64। तो अपर लिम्ब में दोनों हाथों में टोटल 64 हड्डियां पाई जाती हैं। अब लोअर लिम्ब की बात भी कर लेते हैं, लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में पहले बात कर चुके हैं कि दो हड्डियां कम है हाथों से, तो दोनों पैरों में, तो शुरू करते हैं। ईच लोअर लिम्ब है 31 बोन्स, प्रत्येक लोअर लिम्ब में, प्रत्येक पैर में 31 हड्डियां हैं। एक हिप बोन है, सी द हिप बोन, एक है फीमर, ये हिप बोन हो गई, ये फीमर हो गई लंबी। लेग्स में, लोअर लेग में, ये तो थाई की बात की, अब लेग्स की बात करें, लेग में दो है, ये टीबिया और फेबुला, जैसे उसमें थी रेडियस और अल्ना। हाथों की बात की थी, अपर लिम्ब की बात की थी हमने, तो उसमें रेडियस और अल्ना थी, उसी प्रकार से यहाँ पर है टीबिया और फेबुला। ये टीबिया और फेबुला है, ये टीबिया है और ये फेबुला है, और इसके बाद नी के ऊपर एक कैप है, ये नी के ऊपर कैप है जिसको कहा जाता पटेला, और इसके बाद टार्सल्स हैं, टार्सल्स ये एंकल में टार्सल्स हैं, टार्सल्स की संख्या 7 है, और मेटाटार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स ये हैं कितने हैं, 5, और टो, तो कितने हैं, 14। सेम उसी तरह से 3 × 4 + 2 की जो उंगलियां हैं पैरों की उसमें 3 हैं, और जो ब्रॉड टो जो कि पैर का अंगूठा, ब्रॉड टो कहते हैं पैर का अंगूठा, उसमें 2 हैं। तो टोटल एक तरफ के लेग में टोटल हुए बोन्स 31 × 2, टोटल 62। तो टोटल हमारे शरीर में 62। तो ये पूरी कहानी थी, पूरी कहानी की चर्चा हुई, ये पूरी कहानी को बताने का प्रयास किया गया था, लेकिन योग के माध्यम से, योग से एक तो एब्जॉर्प्शन, अगर योग करेंगे तो हमारे मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यदि मैं बात करूंगा तो मैं समझाऊंगा कि हाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस टेक्स प्लेस, कि फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जितना अच्छा होगा उतनी हड्डियां मजबूत होंगी, उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन कुछ पोस्चरल डिफेक्ट्स हैं व्यक्तियों में, आप देखेंगे कुछ पोस्चरल डिफेक्ट्स हैं, जो आसन संबंधी दोष है, किसी में स्कोलियोसिस है। स्कोलियोसिस क्या होता है कि एक तरफ कंधा झुक जाना, एक तरफ ऊंचा हो जाना, इम्बेलेंस बिटवीन, जो कि एक
जो शोल्डर के कर्वेचर में, तो आसनों के माध्यम से इस डिफेक्ट को, स्कोलियोसिस नाम के पोस्चरल डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। एक लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस क्या होता है कि पोस्टीरियर कर्वेचर यानी बैक में कर्वेचर आ जाता है, पीछे की तरफ शरीर झुक जाता है लॉर्डोसिस में, और काइफोसिस ठीक उसका उल्टा है, उसका सामने की तरफ झुक जाता है। तो जितने भी हमारे फ्रंट बेंडिंग आसनाज हैं उनके माध्यम से एक व्याधि को दूर कर सकते हैं, और जो बैक बेंडिंग वाले हैं उसमें काइफोसिस जैसी दोष को दूर कर सकते हैं। काइफोसिस मीन्स होलो चेस्ट, लॉर्डोसिस मीन्स होलो बैक। बोलेग्स भी आप देखे होंगे, बोलेग्स है, बोलेग्स भी एक पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है। आसनों के माध्यम से हम इसमें भी काफी सुधार ला सकते हैं। नोक नीज की प्रॉब्लम्स भी आपने किसी किसी में देखी होगी, नोक नीज में चलते वक्त घुटने टकरा है, उनका भी उपचार किया जा सकता है। लेकिन जितने भी पोस्चुरल डिफेक्ट्स है इंक्लूडिंग फ्लैट फुट, चपटा पैर, उसके लिए भी अगर हम ताड़ासन निरंतर करें, ताड़ासन निरंतर करें और पंजों पर अपना वेट मेंटेन करें, काफी हद तक एक संतुलन की अवस्था में आए, तो फ्लैट फुट में भी काफी हद तक सुधार आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ बहुत अधिक सारे सबकी बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ कि वी कैन रेक्टिफाई अवर पोस्चरल डिफेक्ट्स। हम अपने पोस्चरल डिफेक्ट, जितने भी पोस्चरल डिफेक्ट्स हैं, जितने भी आसन संबंधी दोष हैं, उन सबको दूर कर सकते हैं। और हमारी जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है, एब्जॉर्प्शन एबिलिटी किसकी, कैल्शियम की। जरूरी नहीं कि आप कैल्शियम खाएं और उसका पूरा एब्जॉर्प्शन हो, एब्जॉर्प्शन आप कितना भी खाएं अगर एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगा शरीर को नहीं लगेगा, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, तो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरा, वी कैन रेक्टिफाई और इमोशनल डिफेक्ट्स, आसनों के माध्यम से इमोशनल डिफेक्ट्स को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो स्कोलियोसिस हो, चाहे वो लॉर्डोसिस हो, चाहे वो काइफोसिस हो, चाहे वो बोलेग हो, चाहे नॉकनी हो, चाहे फ्लैट फुट हो। और सिंपल से पोस्चुरल डिफेक्ट्स हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं। अगेन आई रिपीट, स्कोलियोसिस का मतलब है कंधे में कर्वेचर आ जाना, एक कंधा ऊंचा हो जाना, एक कंधा नीचा। लॉर्डोसिस का मतलब है कि होलो बैक, चेस्ट ज्यादा ऊपर हो जाना, बैक पीछे की तरफ झुक जाना। काइफोसिस है कि होलो सॉरी राउंड बैक, जिसमें सामने की तरफ शरीर झुक जाता, आमतौर पर लड़कियों में, फीमेल्स में पाया जाता है काइफोसिस। बोलेग का बताने की आवश्यकता नहीं, नौकनी को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है। फ्लैट फुट भी शब्द से ही क्लियर है, लाइन से क्लियर है। अब बात, क्योंकि वैसे मेरा एक प्रिपरेशन थी कि मैं केवल एक ही सिस्टम की बात करूंगा, लेकिन मुझे मेरे टीचर गणेश शंकर सर ने आदेशित किया, नहीं, यू हैव टू कंप्लीट मस्कुलर सिस्टम ऑल्सो, आपको मस्कुलर सिस्टम भी कुछ हद तक कवर करना है। तो अभी इसमें ऐड किया है कुछ देर पहले मस्कुलर सिस्टम, तो डायग्राम के माध्यम से मस्कुलर सिस्टम मांसपेशियों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। और मांसपेशियों पर तो योग के क्षेत्र का, योग के विभिन्न अभ्यासों का बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ बात करेंगे अब मांसपेशी तंत्र की। मांसपेशी तंत्र की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में किस कौन कौन से प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में तीन विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां हैं। पहली कैटेगरी है कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल जिससे हमारा हृदय बना हुआ है, हृदय। सेकेंड वन इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमारी जो सभी स्केलेटल मसल्स हैं जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल ये देखिए, ये हाथ की है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप है, हाथ हाथ का सामने का हिस्सा बाइसेप है, पीछे ट्राइसेप है, ट्रेपिजियस है, हैमस्ट्रिंग है, जितने भी ये मसल्स हैं ये सारी स्केलेटल मसल्स हैं। और अगली जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन्स में, अंदर हमारे इंटेस्टिन में या हमारे स्टमक में जो मसल्स पाई जाती है वो स्मूथ मसल सेल्स है, स्मूथ मसल्स है। तो ये आकार भी देख लीजिए कि कार्डिक मसल्स के सेल का आकार कैसा होता है, आकार है, क्योंकि इन एग्जामिनेशन यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू स्केच द डायग्राम ऑफ द सेल आल्सो। देखो तीनों के सेल्स की संरचना अलग अलग तरह की है, स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का। कार्डिक मसल का स्ट्रक्चर इस तरह का है और स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर इस तरह का है, स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ तो केवल यही मान के चलिए स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स की, तीन विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों की संरचना। अब अगली बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, क्योंकि स्केलेटल मसल की विस्तार से चर्चा करेंगे, स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल है, तो जो स्केलेटल मसल पहले चर्चा में कर चुका हूं कि दिस इज कनेक्टेड विद द बोन,
अब प्रश्न उठा कि हड्डी के साथ किस किसके द्वारा जुड़ी होती है, यानी ये देखिए दिस इज द बोन, ये बोन है, इस बोन के साथ ये मांसपेशी जुड़ी हुई है टेंडन के सहायता से। टेंडन क्या कि ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, आसन हमारी क्षमता से अधिक करते हैं तो हमारे टेंडन की एनर्जी या सॉरी इंजरी, टेंडन टेंडन की इंजरी या लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। तो ओवर स्ट्रेच यदि जो जैसे कि हम ओवर स्ट्रेच करते हैं तो टेंडन की इंजरी, तो हमें टेंडन की इंजरी से बचना चाहिए, ओवर स्ट्रेच मसल्स को नहीं करना चाहिए। लेकिन आसनों में एक अच्छा आसन करने वाला तो निर्भर करता है कि मांसपेशी की लोचता पर, कि एबिलिटी ऑफ मसल्स टू मूव एट ए हाई रेंज, कि हमारी मांसपेशी बहुत अधिक रेंज तक मूव कर सके। लेकिन उतना भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमारे टेंडन ही रैप्चर हो जाए, हमारे लिगामेंट ही रैप्चर हो जाए। तो अभी तक तो केवल इतनी बात हुई है कि इस टेंडन से, ये टेंडन के द्वारा ये जुड़ा किससे है, हड्डी से। अब देखिए ये है मसल बंडल, ये मसल बंडल, मसल बंडल का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है, ऊपरी परत है पूरे, यानी मसल बंडल में मसल फाइबर्स होंगे, मसल के रेशे होंगे। तो मसल बंडल जिससे घिरा होता है उसको कहते हैं हम एपिमाइसियम। देखिए एपिमाइसियम, आउटर लेयर इज नोन एज एपिमाइसियम। तो इस मसल बंडल के अंदर देखिए छोटे छोटे बंडल्स हैं, ये है ये है ये है, और यानी एक तो आउटर कवरिंग होगी थी पूरी एपिमाइसियम, फिर ये लेयर है दिस इज नोन एज पेरिमाइसियम, इसको पेरिमाइसियम, इस पेरिमाइसियम, और यहां पर ये देखिए ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर है जो रक्त की सप्लाई होती है, और इसके अंदर फिर मसल फाइबर है। ये अगर ये रेशा बाहर दिखाया गया रेशा है, और ये जो है तीन लेयर्स की बात कर रहे हैं। सो आउटर लेयर है एपिमाइसियम है, फिर पेरिमाइसियम है, और ये अंदर जो कि मस ये सबसे छोटे जो फाइबर को चारों तरफ से घेरता है वो दैट इज नोन एज एंडोमाइसियम। तो वी शुड टेक, वी शुड रिमेम्बर दीज डिफरेंट लेयर्स, एपिमाइसियम आउटर मसल, और उसके अंदर जो सब बंडल है उसका पेरिमाइसियम, और उसके बाद एंडोमाइसियम, और ये मसल फाइबर है। तो ये संरचना है, उसकी संरचना के बाद जानने का प्रयास करते हैं। तीनों प्रकार की मांसपेशियों की हम बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स। एक कार्डिक मसल है, हृदय बना जिससे, स्केलेटल मसल है, जितनी मांसपेशियां हैं, बाइसेप है, ट्राइसेप है, ट्रेपिजियस है, हैमस्ट्रिंग है, जितनी भी मांसपेशियां हैं, और स्मूथ मसल्स हैं हमारी, जितने भी स्मॉल इंटेस्टिन है, लार्ज इंटेस्टिन है, स्टमक है, उसमें पाई जाती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मसल्स की तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, स्केलेटल मसल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, संकुचन। मांसपेशी क्या संकुचित होती है, कॉन्टैक्ट होती है, आप आसन करते हो तो एक पोजिशन में जब पूरा होल्ड करते हो पोजिशन को तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, संकुचित होती है, जब रिलैक्स शवासन में रिलैक्स हो जाती है। और दूसरा कोई भी आसन करेंगे, मान लीजिए ताड़ासन ही कर रहे हैं, तो वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट अवर मसल्स, कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, संकुचित होंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन, इस संकुचन के आधार पर जितनी भी मांसपेशियां हैं वो उनके जो टाइप्स को बताएं, तो कंट्रक्शन के आधार पर दो तरह का कंट्रक्शन हो सकता है। तो एक है आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन, आइसो का मतलब होता है इक्वल, मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ, इक्वल लेंथ, इट मींस आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक मींस लेंथ ऑफ द मसल रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, यानी मांसपेशी कॉन्टेक्ट कर रही है लेकिन उसी एक स्थिर अवस्था में। एग्जाम्पल छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, यदि हम दीवार को धक्का लगाएं ताकत तो लग रही है ना, मांसपेशी संकुचित हो रही है, लेकिन मांसपेशी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम आसन करते हैं, कई आसन, उन आसनों में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन होता है क्योंकि मांसपेशी की एक स्थिर अवस्था बनी रहती है, और आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन होता है, आइसो मींस इक्वल, टॉनिक मींस टोन और टेंशन, इट मींस शेप एंड साइज ऑफ द मसल चेंजेस। शेप साइज कैसे चेंज होगी, एक तो होगा कंसेंट्रिक, छोटा हो जाना, एक इसेंट्रिक, बढ़ जाना, कभी छोटा होगा। तो आजकल क्योंकि योग में तो बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने, विदुषियों ने अपने स्वयं के विचार भी, स्वयं के टाइप भी उड़ेल दिए हैं, तो आप देखेंगे एक कंसेप्ट है डायनेमिक योग, एक डायनेमिक आसनाज करते हैं, डायनेमिक रूप्स में आसनाज करते हैं, रिदमिक योग अलग है। तो दुनिया भर के योग उपज गए हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर, जो मैं आप सबके समक्ष बात कर रहा हूँ वो एक स्तरीय साहित्य पर बात कर रहा हूँ,
तो जितने भी हम होल्ड करके पोजिशन रखते हैं दैट इज नोन एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, मांसपेशी का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन है। लेकिन हम सूर्य नमस्कार करते हैं, 12 काउंट्स में करते हैं कि विभिन्न आसनों पर जाते हैं, इन दैट केस आइसोटोनिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्शन टेक्स प्लेस, उसमें मांसपेशी का आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन घटित होता है, क्योंकि कभी मांसपेशी का आकार छोटा होता है, कभी मांसपेशी का आकार बढ़ जाता है। तो ये कहानी थी कॉन्ट्रेक्शन के आधार पर वर्गीकरण की, मांसपेशियों की। अब इसको, ये मेरा प्रस्तुतिकरण का एक लास्ट भाग है, अंतिम भाग है, इस डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बात हमने कहा था कि मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर मसल का रेशा, मसल के रेशे बने होते हैं सरकोमेयर से, ध्यान दीजिए सरकोमेयर से। सरकोमेयर में क्या होता है कि एक सरकोमेयर को का दो जेड लाइन के द्वारा विभाजित होता है। इस सरको देखिए, यहां से लेकर यहां तक सरकोमेयर है, तो ये एक जेड लाइन होगी और एक जेड लाइन ये होगी, यानी कुल मिलाकर हम कहें कि एक मांसपेशी के रेशे में एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन की दूरी जो होती है दैट इज नोन एज सरकोमेयर। इस सरकोमेयर में जो बीच का भाग होता है वो एम्बैंड कहलाता है, या हम कहेंगे उसको एच जोन कहलाता है, बीच का भाग है एच जोन कहलाता है, और ये साइड का भाग है ये कहलाता है आई बैंड, और ये है ए बैंड। तो ध्यान दीजिए, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब मांसपेशी जो संकुचित होती है, ये हम एक लेमैन की भाषा में मैंने बताया था मांसपेशी का रेशा दैट इज नोन एज मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल कहा जाता है। तो इट मींस जेड लाइंस कम्स टुगेदर, मांसपेशी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, मांसपेशी जब संकुचित होती है तो जेड लाइन आपस में नजदीक आ जाती है, जेड लाइन नजदीक आ जाती है और मांसपेशी का आकार छोटा होता है, जो कि बात हुई थी आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन के समय में, इससे पिछले स्लाइड के, जिसमें कि दो भाग थे कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में जेड लाइन नजदीक जाएंगे, इसेंट्रिक में जेड लाइन दूर चली जाएंगी। लास्ट में वी हैव टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में दो प्रकार के मांसपेशियों के रेशे पाए जाते हैं, एक रेड मसल फाइबर्स है, एक व्हाइट मसल फाइबर्स है। हम जन्म से लेकर ही उनको पैदा हुए हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष, जितने भी प्रोपोर्शन, सब में अनुपात अलग अलग होता है, किसी व्यक्ति विशेष में रेड मसल फाइबर्स की संख्या अधिक होती है, किसी में व्हाइट मसल फाइबर्स की संख्या अधिक होती है। वी शुड कीप इन अवर माइंड, हम अपने मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठा लें कि हम अपनी मांसपेशियों के रेड और व्हाइट मसल फाइबर्स की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो वही बनी रहेगी टिल बर्थ टू डेथ, मृत्यु तक, बट वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दैट। लेकिन हम केवल साइज को तो बढ़ा सकते हैं, हम इसके आकार को तो बढ़ा सकते हैं लेकिन नंबर को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ध्यान दीजिए, जिसमें रेड मसल फाइबर्स की संख्या अधिक होती है, जिसमें रेड मसल फाइबर्स की संख्या अधिक होगी, उस व्यक्ति विशेष में, ध्यान दीजिए, उस व्यक्ति विशेष में एंड्योरेंस एबिलिटी अधिक होगी, ही और शी कैन डिले द फटीक फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। कुछ व्यक्ति विशेष बहुत सेट लगा देता है सूर्य नमस्कार के, क्यों? क्योंकि उसमें रेड मसल फाइबर्स की संख्या अधिक होगी, जिसमें व्हाइट मसल फाइबर्स की संख्या अधिक होगी वो स्पीडी गति वाले कार्यों में अच्छा रहेगा। तो रेड मसल फाइबर्स और व्हाइट मसल फाइबर्स के आधार पर ही हम निर्धारित करते हैं कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी करने के लिए सक्षम है या स्पीड वाली एक्टिविटी करने के लिए सक्षम है। तो अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं, अगर हम सूर्य नमस्कार या उससे मिलती जुलती गतिविधियां करते हैं, तो उस दशा में हमारे रेड मसल फाइबर्स की थिकनेस बढ़ेगी, रेड मसल फाइबर्स की थिकनेस बढ़ जाएगी और वी कैन डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, हम थकान को देर तक दूर रख सकते हैं, जितना साइज नंबर तो फिक्स है, मैं पहले बता चुका हूँ, वी कैन नॉट इंक्रीज द नंबर्स, हम नंबर को तो नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन हम साइज को तो बढ़ा सकते हैं, और हम कुछ एक एक्सप्लोसिव वे में कुछ गतिविधियां करते हैं, चाहे आसन करें, चाहे कपालभाति में स्ट्रोक लगाते हैं ना एक, तो उसमें व्हाइट मसल फाइबर्स, जहां जहां भी व्हाइट मसल फाइबर्स यूज होंगे उनकी थिकनेस बढ़ेगी, स्पीडी एक्टिविटी में उसमें थिकनेस बढ़ेगी। तो ये कहानी थी
आप सबके समक्ष बताने का प्रयास किया गया है। गिरी सर ने आदेशित किया था कैसे भी करके आपको 1 घंटा 15 मिनट में भाषण को समाप्त करना है और आखिरी के 15 मिनट के लिए डिस्कशन होगा। तो अब डिस्कशन करते हैं। तो नाउ द डिस्कशन स्टार्ट्स। आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। अगेन आई एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू गिरी सर। मैं एक बार फिर गिरी सर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया।